दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मंगल फॉन्ट में किस प्रकार से टाइपिंग किया जाता है। वैसे तो मंगल फॉन्ट में तीन लेआउट है मंगल फॉन्ट में, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेमिंगटन के बारे में। यदि आप इन स्क्रिप्ट के बारे में नहीं देखे हुए तो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे मंगल फॉन्ट में जो रेमिंगटन होता है उसके बारे में। जैसे मंगल फॉन्ट में तीन लेआउट होता है, पहला हो गया रेमिंगटन, हो गया इनस्क्रिप्ट, हो गया और CVI हो गया। ये तीनों लेआउट है, तो ये लेआउट हो गया इसका, मंगल फॉन्ट हो गया। तो हम लोग इसमें जानेंगे मंगल फॉन्ट में जो रेमिंगटन होता है, जिसमें क्या होता है, कहीं पर यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको रेमिंगटन में पूछा जाता है। मंगल फॉन्ट मंगल के या तो रेमिंगटन में पूछा जाता है या इन स्क्रिप्ट में पूछा जाता है, ज़्यादा इसी दोनों में से पूछा जाता है। जो CVI होता है उस वो थोड़ा कम पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें हम लोग जानेंगे रेमिंगटन के बारे में। वैसे जो BSSC का जो फॉर्म सम अप्लाई होता है तो उसमें भी क्या होता है, वैसे बिलेट्रॉन वाला जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है या आप कीजिएगा या बहुत ऐसा, तो वहाँ पर क्या रेमिंगटन में पूछता है। यदि आपको कुर्ती दिलवा रहा है तो आपको यहाँ पे फायदा वाली बात है, क्योंकि इसमें हम लोग जानेंगे कि कुर्ती देव, देखिए जो रेमिंगटन है जो सेम टू सेम कुर्ती देव की तरह है, ठीक उसी की तरह होता है, बस थोड़ा सा चेंज है उसको भी जानेंगे। वैसे तो हम शुरू से अंत तक जानेंगे इसमें, और थोड़ा जो चेंज है उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कीबोर्ड पर चलेंगे, और कीबोर्ड पे जाने के बाद कौन सा फिंगर किस प्रकार से रखा जाता है ये पूरी प्रोसेस के जानेंगे। हाँ, यदि आप मंगल फॉन्ट को किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है, किस प्रकार से उसको इनेबल किया जाता है ये वीडियो नहीं देखे है तो जिसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा किस प्रकार से उसका जो डाउनलोड किया जाता है मंगल फॉन्ट को, किस प्रकार से उसका इंस्टॉल किया जाता है, किस प्रकार से चेंज किया जाता है, ये पूरी प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। इसके लिए हम लोग कीबोर्ड पर चले आए, और कीबोर्ड पर आने के बाद सबसे पहले कीबोर्ड के कुछ फंक्शन होता है, किस प्रकार से फिंगर रखा जाता है, किस बटन को क्या कहा जाता है, ये पूरी प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। हाँ, इंस्टॉल कैसे किया जाता है मंगल का, जो अगर नहीं देखे है वीडियो तो वो सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि आपके पास यदि मंगल फॉन्ट ही ना रहे तो किस प्रकार से आप टाइप कीजिएगा। तो देखिए, ये जो फिंगर रखा जाता है, वैसे तो हम लोग जो उंगली इंग्लिश टाइपिंग में रखते थे ए से, बट यहाँ एस से रखना है। और इससे पहले ये भी जान जाते हैं, देखिए ये बीच वाले को इसको होम की या होम रो कहा जाता है, ये ऊपर वाले को अपर की या अपर रो, और नीचे के डाउन या लोअर की या लोअर रो कहा जाता है। डाउन कहिए डाउन की या डाउन रो, इस प्रकार से लोअर की या लोअर रो इस प्रकार से कह सकते हैं, होम की, अपर की और लोअर की, इस प्रकार से हो गया। अब ये जो फिंगर रखेंगे यहाँ SDFG, फिर एक दो छोड़ के जे, यहाँ KL, इस प्रकार से रख लेंगे। रखने के बाद ये जो फिंगर है, ठीक, ये शिफ्ट, इस ये दो थंब है, तो एक थंब के आप इस पे रखिए, जिसका ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा जिससे आप काम करते हैं वो इस पे रखिए, जैसे इस प्रकार से, ठीक। और इस बटन से यहाँ इस साइड ए है जो इससे ही आएगा, ठीक, और ये GH, ये दोनों इसी प्रकार से JK, और इससे हो जाएगा जो इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद जो या का सिंबल होता है ये हो जाएगा, ठीक। तो अब इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले मंगल फॉन्ट में, मंगल फॉन्ट ये रेमिंगटन में बता रहे हैं, ठीक, याद रखिएगा मंगल फॉन्ट के लेआउट रेमिंगटन में। तो अब इस पे हमको टाइप करना है जैसे, और दो शिफ्ट भी है, दो कंट्रोल भी है और दो अल्ट भी है, इस सब के बारे में भी जानेंगे, दो इसमें आखिर क्यों दिया गया है। तो ये हो गया। अब इस प्रकार से सबसे पहले ए, तो ए से है, ए से जैसे संगम, संगम वाला जो ऊपर अनुस्वार आता है तो न का मात्रा, तो ए से फिर चले आए, टिप दिए चले आए, टाइप किए चले आए, इस प्रकार से आ गए, तो ऊपर न की मात्रा इससे आ जाता है जो आप ऊपर आपको कीबोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ए की मात्रा। फिर एस, एस से क्या हो जाएगा, एकले, जैसे केला में के एकले लिखते हैं तो
एकले आ जाएगा, ठीक है, केला में के जो एकले लिखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा। फिर उसके बाद डी, डी से क होता है, जैसे कुर्ती जब में यदि आप टाइपिंग किए हुईगा तो डी से क्या होता है, क होता है, तो रेमिंगटन में भी डी से क होता है, बट इन स्क्रिप्ट में अलग होता है, ठीक, उसका वीडियो भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो डी से यहाँ से क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। हर्ष ई की मात्रा, हर्ष ई की मात्रा देना हो तो आप एफ को प्रेस कीजिएगा, हर्ष ई की मात्रा से क्या आ जाएगा, एफ, हर्षी एफ। उसके बाद जी, जी से ह हो जाएगा, जी से क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। उसके बाद फिर एच से दीर्घी, एच से दीर्घी, एच से दीर्घी। फिर जे, जे से र हो जाएगा, जे से क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। अब जैसे र, राजा, राजा में क्या र, जे से र। अब र और र तो दे दीजिएगा, राजा लिखिएगा तो आकार दीजिएगा, तो के से आकार हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, आकार, के से आकार, के से आकार देना हो तो के का उपयोग करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ एल से, एल से डंटी सा, एल से डंटी सा, एल से क्या होता है, डंटी सा, एल से डंटी सा। फिर यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये जो सेमी कॉलून की मात्रा है इससे, तो इससे क्या होता है, य होता है, इससे क्या होता है, य, इससे य। और यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा है इससे आधा तलाबी सा होता है, क्या होता है, आधा तलाबी सा, आधा तलाबी सा पूरा करना हो तो के को प्रेस कर दीजिए, पूरा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से ये बटन जो देखिए या का सिंबल है, इससे क्या होता है, ओपन ब्रैकेट होता है, ओपन ब्रैकेट, ठीक, ओपन ब्रैकेट। कहीं कहीं अगर आपको हिंदी टाइपिंग में भी कोष्ट में कुछ देना हो तो याद रखिएगा ओपन ब्रैकेट होता है। तो होम की में समझ गए कि इससे होता है अंस्वार, इससे क्या होता है, अंस्वार, फिर एस से एकले, फिर उसके बाद यहाँ डी, डी से क, फिर एफ से हर्षी, फिर जी से ह, फिर एच से दीर्घी, फिर यहाँ जे से र, जे से र, उसके बाद के से आकार, उसके बाद एल से डंटी सा, एल से क्या होता है, डंटी सा, उसके बाद फिर अनुपात, ये सेमी कॉलून है इससे य होता है, फिर ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है इससे तलाबी सा आधा होता है, इससे क्या होता है, आधा तलाबी सा, और इससे या का सिंबल होता है। इस प्रकार से देख लिए कि होम की का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, दो घंटा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कुछ कुछ लिखिए, जैसे आम, राम, इस प्रकार से कुछ कुछ लिखिए है, ठीक, जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बहुत ऐसा वेबसाइट आता है वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर खुद से ही प्रैक्टिस कीजिए, ठीक, इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते। जब यहाँ होम की का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो उसके बाद फिर आपके पास आएगा कुछ ऐसा जो अपर की, तो अपर की में हम लोग किस प्रकार से फिंगर रखेंगे वो भी जानेंगे। पहले तो होम की के देख लिए, अपर की के लिए वो भी, इसके लिए भी यही इसी प्रकार से फिंगर रखना है, फिर दो छोड़ के इस प्रकार से फिंगर रखना है। और अपर की देखिए, ये है फिंगर, इससे ये और इससे ये, क्यू डब्लू, क्यू डब्लू, ये दोनों का इस्तेमाल करेंगे, और इससे टी वाई, ये दोनों का, और इससे यू आई, ये दोनों का, और यहाँ ओ हो जाएगा, फिर इससे पी हो जाएगा, इसमें जो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इस प्रकार से हो गया। तो जैसे यहाँ Q देखिए, टाइप कर देना है फिर आ जाना है, तो Q से होता है हर्षु, Q से हर्षु की मात्रा होता है। जैसे मेरा नाम ही लिख लीजिए सुजीत, तो सुजीत लिखते हैं तो उसमें U की मात्रा जो होता है, जो इससे Q से, क्या चीज़ से, Q से। और दीर्घ की मात्रा, जैसे लिखते हैं स्कूल, तो दीर्घ की मात्रा क्या है, जो W से, क्या चीज़ से, W से। फिर E, E से क्या होता है, म होता है, E से क्या होता है, म होता है। R से क्या होता है, त, R से क्या होता है, त होता है, जो ऊपर आपको कीबोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है, R से क्या होता है, त होता है। फिर इस प्रकार से यहाँ T, T से क्या होता है, ज, T से ज, Y से ल, Y से ल, T से ज, Y से ल, इस प्रकार से। ये फिंगर यहाँ यू से न, यू से न, यू से न, आई से प, आई से प, आई से प। उसके बाद ये ओ, तो ओ, ओ से व, ओ से व, ओ से व। यहाँ पी से च, पी से क्या होता है, च, इसी फिंगर से। देखिए भले मेरा दो फिंगर आ जाता है लेकिन टाइप उसी फिंगर को करना है कि जिसका इस्तेमाल करना है, कोई बात नहीं, दो फिंगर होता है, इतने का दो फिंगर आ जाता है ऊपर, एक फिंगर नहीं आ पाता है, दोनों आता है साथ में, बट देना एक ही, जिस जो जरूरी है उसी को। फिर ओपन ब्रैकेट, जो ये ओपन ब्रैकेट से ख होता है, आधा ख,
इससे आधा ख क्या होता है, आधा ख होता है, और इससे क्या होता है, इससे कौमा होता है, इससे कौमा, ठीक है, कौमा, इससे कौमा की मात्रा। तो देख लिए कि क्यू से क्या होगा, क्यू से हो जाएगा हर्षु, क्यू से हर्षु, डब्लू से दीर्घु, ई से म, आर से त, डी से यहाँ टी से ज, वाई से ल, ये यू, यू, यू से न, यू से न, आई से प, आई से प, यहाँ ओ से व, ओ से व, पी से च, पी से च, और इस प्रकार से यहाँ से ये जो यहाँ ओपन ब्रैकेट है इससे ख होता है, आधा ख, ओपन ब्रैकेट से ख, क्लोज ब्रैकेट से कॉमा, क्लोज ब्रैकेट से कॉमा। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं जो अपर की को किस प्रकार से उपयोग करेंगे, ठीक, पहले होम की के बारे में देखे, उसके बाद अपर की के बारे में, अब हम लोग जानेंगे लोअर की के बारे में, हाउ टू यू यूज लोअर की इन कीबोर्ड। तो देखिए ये कीबोर्ड को में हम लोग कैसे लोअर की का इस्तेमाल, देखिए ये जो फिंगर है, ये फिंगर है जो यहाँ पे आ जाएगा, ये फिंगर यहाँ पे, और फिर ये फिंगर यहाँ पे, और ये फिंगर यहाँ पे, ये इस प्रकार से यहाँ, ये दोनों को संभालेगा इस प्रकार से, दोनों को, ठीक है, इसमें भी ये इसका संभालेगा, इसको संभालेगा, फिर यहाँ पे इसको, फिर यहाँ इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको संभालेगा। तो देखिए जैसे यहाँ ये आ गया जेड, इससे क्या आ जाएगा जेड, तो जेड से क्या होता है र की मात्रा, र की मात्रा नहीं, जो र होता है जैसे प्रकार, प्रकार लिखते हैं प्रकार, तो ये आई से प आ जेड प्र, ठीक, और डी से क, ठीक है, और के से आकार, के से आकार आ जे से र प्रकार, तो इस प्रकार से, इससे होता है र की मात्रा, प्र वाला र, प्र वाला र देना हो तो किसका उपयोग करेंगे यहाँ पे जेड का, किसका जेड का। अब इसके बाद देखिए एक्स, एक्स से होता है ग, क्या होता है ग, तो ये फिंगर है ये, इससे एक्स का उपयोग करेंगे, किसका एक्स का। उसके बाद ये यहाँ पे ये जो है मिडिल वाले फिंगर, इसका उपयोग ये सी, तो सी से क्या होता है व होता है, जैसे ये सी से बहुत, बहुत जो लिखते हैं तो ब देने के लिए किसका उपयोग करते हैं सी का, तो सी का, तो सी से क्या हो जाएगा ब हो जाएगा। उसके बाद ये जो फिंगर है, ठीक, ये तो इसे दो, वी से अ, वी से अ, वी से अ, और यहाँ पे बी से जो हर्ष ई भी होगा, बी से हर्ष ई भी होगा, इस प्रकार से हम लोग दे दें वी से अ और बी से हर्ष ई। अब ये होने के बाद यहाँ यहाँ देखिए ये है एन, एन से द, एन से द, य, और एम से ऊ, हर्ष ऊ, एम से ऊ, एम से ऊ, और ये देखिए इससे आएगा कॉमा है जो ए, कॉमा से ए, और यहाँ ये जो है ग्रेटर देन जो फुल स्टॉप इंग्लिश में, तो इस प्रकार से इससे आ जाएगा न, टठर में के न, आधा न ही आएगा, अगर पूरा करना हो तो के को प्रेस करना होगा, इससे आधा न, फिर के को आप प्रेस करके पूरा न उसको कर दीजिएगा। फिर यहाँ से ये है, इससे ध होता है, क्या होता है ध होता है, तो इस प्रकार से ध हो गया। तो हम लोग देखे हैं कि इससे क्या होगा, इससे र, फिर एक से ग, फिर सी से व, फिर भी से अ, फिर जाके यहाँ बी से हर्षी, बी से हर्षी, एन से द, एन से द, ये एम से ऊ, हर्ष ऊ, एम से ऊ, यहाँ से कौमा से ए, ये कौमा से ए, और उसके बाद इससे टठर डमे के न आ जाएगा, क्या हो जाएगा टठर डमे में, ये है जो फुल क्वेश्चन मार्क से इसे ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखे हैं जो इसमें किस प्रकार से उपयोग करेंगे लोअर की का। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि होम की को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग देखे हैं अपर की को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग देखे हैं लोअर की को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग जान जाते हैं कुछ की, जैसे ये है यहाँ से, ठीक, इसको टिल की कहा जाता है, क्या कहा जाता है टिल की। तो इसमें जैसे राजा लिखते हैं तो नीचे जो बुंदा लिखते हैं तो यहाँ इसी टिल की का उपयोग करते हैं, किसका टिल की का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद ये तो नॉर्मल आपको इस प्रकार से उंगली है जो करेगा काम, तो और शिफ्ट के साथ भी देखते हैं, तो ये तो वन टू के लिए, और यहाँ पर देखिए ये है जो फिंगर, ये है फिंगर यहाँ, इससे आपका क्या हो जाएगा जो कि जैसे क्री लिखते हैं,
कृति, तो क्रि जो र होता है यहाँ से देते हैं ठीक, और इससे इससे भी होता है इससे इस प्रकार से अनुपात की मात्रा, तो इसका तो खैर छोड़ दीजिए, ये मेन ये देखना है और यहाँ से ये देखता है, इससे रजा में कि ज अह की मात्रा ठीक है, और ये होता है क्रि की मात्रा। तो ये हम लोग देखे हैं विदाउट शिफ्ट, क्या देखिए हैं बिना शिफ्ट के देखिए है रेमिंगटन जो लेआउट है, और फॉन्ट कौन सा है मंगल, मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन लेआउट में किस प्रकार से हम लोग होम की, अपर की, लोअर की और जो नंबरिंग की में कुछ था उसका उपयोग करेंगे विदाउट शिफ्ट, विदाउट शिफ्ट हम लोग शिफ्ट के साथ किस प्रकार से है जो की का उपयोग करेंगे। इससे पहले तो विदाउट शिफ्ट के बारे में देखे थे, अब शिफ्ट के साथ जैसा कि इसमें दो शिफ्ट है, एक बायां साइड एक दायां साइड, तो दोनों का किस प्रकार से उपयोग, तो देखिए बटन आप बायां साइड का उपयोग कीजिए तो शिफ्ट दायां साइड, और बटन दायां साइड तो शिफ्ट बायां साइड, इस प्रकार से उपयोग कीजिएगा तो आपका टाइपिंग है जो फास्ट होता चला जाएगा। अब देखिए फिंगर इस प्रकार से रख लेंगे एस डी एफ जी, और दो छोड़ के इस प्रकार से रख लेंगे, और रखने के बाद देखिए ये शिफ्ट ए से क्या हो जाएगा आकार, वैसे के से भी आकार होता है बट शिफ्ट के साथ आप ए बटन दाबिएगा फिर भी आकार आ जाएगा, फिर शिफ्ट के साथ आप एस बटन दाबिएगा तो दुल्लई की मात्रा, क्या हो जाएगा दुल्लई की मात्रा, जैसे अगर कावा लिखिएगा तो क, फिर क दे के उसके बाद फिर क्या करना है ए से शिफ्ट के साथ चाहे के से आकार दीजिए डबल एकले का मात्रा, तो हम लोग शिफ्ट का उपयोग करेंगे ठीक, शिफ्ट के साथ जो एस, शिफ्ट के साथ एस, शिफ्ट के साथ एस से दुल्लई की मात्रा ठीक है। उसके बाद शिफ्ट, शिफ्ट के साथ डी, किसके साथ शिफ्ट के साथ डी से आधा क, शिफ्ट के साथ डी से क्या हो जाएगा आधा क, और शिफ्ट के साथ एफ बटन का प्रयोग करेंगे तो आधा थ, शिफ्ट के साथ एफ से आधा थ, फिर शिफ्ट के साथ जी से क्या हो जाएगा क, ह की मात्रा, ह की मात्रा नॉर्मली वाला आता है ठीक है, ऊपर आपको दिखाई देता होगा ह की मात्रा। उसके बाद देखिए ये हो गया शिफ्ट, तो शिफ्ट के साथ ये शिफ्ट के साथ एच भ आधा भ, शिफ्ट के साथ एच से क्या हो जाएगा आधा भ हो जाएगा, शिफ्ट के साथ एच से आधा भ हो जाएगा इस प्रकार से एच से आधा भ। अब शिफ्ट के साथ के, अब देखिए इसका काम तमाम यहाँ से, अब शिफ्ट के साथ के तो इससे आ जाएगा ऋषि, ऋषि में के ऋ की मात्रा, शिफ्ट के साथ श्री स्र। इसके बाद देखिए जो शिफ्ट के साथ जे, इससे स्र की मात्रा, शिफ्ट के साथ से जे से क्या हो जाएगा स्र की मात्रा, शिफ्ट के साथ जे से क्या हो जाएगा स्र की मात्रा। अब ये तो हो गया, अब शिफ्ट के साथ जे से स्र की मात्रा, अब उसके बाद शिफ्ट के साथ के से ज्ञा, शिफ्ट के साथ जो के से क्या हो जाएगा ज्ञा, वैसे हो जाएगा आकार, और शिफ्ट के साथ के को प्रेस कीजिएगा तो ज्ञ। अब शिफ्ट के साथ एल, एल से हो जाएगा आधा डंटी सा, शिफ्ट के साथ एल से क्या हो जाएगा आधा डंटी सा, शिफ्ट के साथ एल से आधा डंटी सा, फिर शिफ्ट के साथ सेमी कॉलोन से क्या हो जाएगा रू की मात्रा, रू जैसे रुपया देते हैं तो रू की मात्रा आपको देना हो तो शिफ्ट के साथ सेमी कॉलोन, फिर शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा मूर्धन्य से, क्या हो जाएगा मूर्धन्य से, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा में मूर्धन्य से, शिफ्ट के साथ आप ये या के ये सिंबल दे दीजिएगा तो क्या आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट, विदाउट शिफ्ट ओपन ब्रैकेट और शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट, तो इस प्रकार से दे सकते हैं। तो होम की में हम लोग देखे हैं शिफ्ट के साथ ए हो जाएगा ऊपर अनुस्वार की मात्रा, शिफ्ट के साथ आ जाएगा जो शिफ्ट, शिफ्ट के साथ ए, ए से ऊपर अनुस्वार की मात्रा, नहीं सॉरी शिफ्ट के साथ ए से हो जाएगा आकार की मात्रा, फिर शिफ्ट के साथ एस, एस से हो जाएगा दुल्लई की मात्रा, फिर शिफ्ट के साथ डी से आधा क, शिफ्ट के साथ एफ से आधा थ, शिफ्ट के साथ जी से क ह की मात्रा, शिफ्ट के साथ एच से आधा भ आ जाएगा ठीक है हलंत वाला। उसके बाद फिर शिफ्ट के साथ ये शिफ्ट आप यहाँ शिफ्ट के साथ जे से हो जाएगा जो ऋषि में के स्र आता है स्र की मात्रा ठीक है, शिफ्ट के साथ जे से स्र की मात्रा, फिर शिफ्ट के साथ के से डंटी सा आधा, फिर शिफ्ट के साथ ये सेमी कॉलोन, सेमी कॉलोन से रू की मात्रा, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा से मूर्धन्य सा, शिफ्ट के साथ ये है जो इससे आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट। तो हम लोग होम की में देख लिए जो होम की में शिफ्ट का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जानते हैं अपर की, तो अपर की में देखिए ये शिफ्ट हो गया तो शिफ्ट के साथ क्यू से आ जाएगा फ, शिफ्ट के साथ क्यू फ, शिफ्ट के साथ क्यू फ,
शिफ्ट के साथ क्यू फ, शिफ्ट के साथ क्यू फ, फिर शिफ्ट के साथ डब्लू इसी से, तो शिफ्ट के साथ डब्लू से क्या हो जाएगा जो ऊपर, जैसे आप कावा नहीं, कावा नहीं, ऑफिस, ऑफिस में के ऊपर औ की मात्रा जो देते हैं जो शिफ्ट के साथ डब्लू से आएगा, फिर शिफ्ट के साथ ई, तो इससे ई, ये ई बटन से ई याद रखिएगा, तो ई से आ जाएगा आधा मुआ, शिफ्ट के साथ ई से आधा मुआ, शिफ्ट के साथ ई से आधा मुआ, शिफ्ट के साथ आर से त, शिफ्ट के साथ आर से त, शिफ्ट के साथ आर से त, शिफ्ट के साथ टी से ज, शिफ्ट के साथ टी से ज, शिफ्ट के साथ वाई से ल, शिफ्ट के साथ वाई से ल, फिर शिफ्ट के साथ ये शिफ्ट इधर, ये शिफ्ट यू से न, शिफ्ट के साथ यू से न, शिफ्ट के साथ यू से न, शिफ्ट के साथ यू से न, तो ये आधा न आ जाएगा शिफ्ट के साथ, विदाउट शिफ्ट पूरा न और शिफ्ट के साथ आधा न। अब इसके बाद आप देखिएगा ये फिंगर और इससे ये यही होगा, ठीक है, तो शिफ्ट के साथ आई से प आधा प, देखिए विदाउट शिफ्ट पूरा प बट शिफ्ट के साथ से आधा प, शिफ्ट के साथ आई से आधा प, फिर शिफ्ट के साथ ओ से व आधा व आएगा, ठीक, विदाउट शिफ्ट पूरा हुआ, शिफ्ट के साथ आधा हुआ, उसके बाद फिर ये इससे आ जाएगा पी से च आधा च, शिफ्ट के साथ पी से आधा च, शिफ्ट के साथ इससे छ आता है, छ क्या चीज़ आता है, छ क्या आएगा, छ आएगा, ठीक, जैसे छ, फिर क्या आएगा, छ आएगा, और शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट, देखिए क्लोज ब्रैकेट से क्या आएगा, व आएगा, क्या आ जाएगा, द्व, जैसे द्व लिखते हैं तो द्वारा, द्वारा में के द्व लिखते हैं तो शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट से द्वारा में के द्व, तो हम लोग देख चुके हैं कि शिफ्ट के साथ क्यू से आ जाएगा फ, शिफ्ट के साथ डब्ल्यू से आ जाएगा, ऑफिस में के औ की मात्रा, फिर शिफ्ट के साथ ई से हो जाएगा म की मात, जो म आधा म, शिफ्ट के साथ फिर आर हो जाएगा आर, इससे हो जाएगा त, शिफ्ट के साथ टी, टी से ज, शिफ्ट के साथ वाई, वाई शिफ्ट के साथ वाई से ल, फिर शिफ्ट के साथ आई ये यू, शिफ्ट के साथ यू से आधा न, शिफ्ट के साथ यू से आधा न, शिफ्ट के साथ फिर यहाँ यहाँ है ये आई, फिर आई से हो जाएगा आधा प, शिफ्ट के साथ आई से आधा प, शिफ्ट के साथ ओ से व, शिफ्ट के साथ ओ से क्या हो जाएगा व, शिफ्ट के साथ पी से च, शिफ्ट के साथ पी से च, वो भी आधा, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट से छ आधा छ, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट से आधा छ, शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट से द्वारा में के द्वा, शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट से द्वारा में के द्वा। अब हम लोग ये होम की, अपर की, लोअर की, ये सारे हैं विदाउट शिफ्ट, और शिफ्ट से हम लोग देख लिए होम की और अपर की, अब जानते हैं लोअर की में किस प्रकार से, तो फिंगर तो वैसा ही रखना है, फिंगर वैसा ही रखना है, अब वही करना है, शिफ्ट इस साइड के तो विदाउट शिफ्ट इस साइड के, बोले तो शिफ्ट इस साइड के तो बटन इस साइड के, बटन इस साइड के तो शिफ्ट इस साइड के, जैसे यहाँ पे शिफ्ट, शिफ्ट के साथ जेड, शिफ्ट के साथ जेड, तो जेड से आपसे र, जैसे प्राकृत जो शिफ्ट के साथ आप जेड देते हैं, एक साइड से शिफ्ट, एक साइड से जेड, ठीक है, शिफ्ट जेड, शिफ्ट जेड, तो जैसे यहाँ पे आप व दे दीजिएगा, और ऊपर ऊपर रेफ वाला जो र देना है, जैसे पर्वत, पर्वत में के ऊपर वाला जो रेफ वाला र देना है, शिफ्ट के साथ जेड का इस्तेमाल कीजिए, फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ एक्स से आधा ग आएगा, देखिए विदाउट शिफ्ट से पूरा ग, बट शिफ्ट के साथ एक्स से आधा ग, फिर शिफ्ट के साथ सी से व, शिफ्ट के साथ सी से क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, शिफ्ट के साथ सी से वह हो जाएगा, शिफ्ट के साथ वी से अ, शिफ्ट के साथ भी से अ, और शिफ्ट के साथ वी से ठ, जो ठग, ठग में के जो ठ होता है, शिफ्ट के साथ जो बी प्रेस कीजिएगा तो ठ में के ठग आ जाएगा, फिर इस साइड के शिफ्ट, शिफ्ट के साथ एन छ, शिफ्ट के साथ एन छ, शिफ्ट के साथ एम ड, जो र, र में के जो आ जाता है नीचा से बुनका नहीं तो ड, शिफ्ट के साथ एम से ड, फिर शिफ्ट के साथ आप ये ब्रा इसको, ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक, तो शिफ्ट के साथ कॉमा, कॉमा से ढ में के नीचा बुंदा नहीं रहेगा, ढ की मात्रा, ठीक है, फिर शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट से क्या हो जाएगा झ, शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट से झ, फिर शिफ्ट के साथ ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इससे आ जाएगा आधा घ, आधा घ, तो हम लोग देख लिए कि शिफ्ट के साथ जेड से पर्वत में के र, फिर शिफ्ट के साथ एक्स से आधा घ, शिफ्ट के साथ सी से
ब शिफ्ट के साथ भी से अ शिफ्ट के साथ बी से हर्षी फिर शिफ्ट के साथ तो शिफ्ट इस तरफ और एन से छ शिफ्ट के साथ एम से ड शिफ्ट के साथ कौमा से ढ फिर शिफ्ट के साथ यहाँ ग्रेटर देन जो है इससे झ फिर शिफ्ट के साथ वट ये वट का सिंबल है इससे घ। तो इस प्रकार से हम लोग ये पूरे देख लिए होम की अपर की और लोअर की किसके साथ शिफ्ट के साथ। देखिए इसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ जो बटन है ये नंबर की है इसके बारे में तो वैसा ही रखेंगे फिंगर एस डी एफ और इस प्रकार से रख लेंगे। अब इसमें क्या करना है शिफ्ट के साथ शिफ्ट ये हो गया ये टिल की तो इससे क्या हो जाएगा ये शिफ्ट के साथ ध ध ठीक है और फिर शिफ्ट यहाँ पे शिफ्ट ये शिफ्ट के साथ एक बटन का प्रेस करेंगे तो फुल स्टॉप शिफ्ट के साथ एक बटन से फुल स्टॉप फिर शिफ्ट के साथ आप दो देखिए ये बटन है इसे तीन गो ये फिंगर है इसे तीन गो ये तीन गो ठीक है। तो आप गौर से देखिए ये शिफ्ट के साथ टू से या की मात्रा शिफ्ट के साथ टू से या की मात्रा फिर शिफ्ट के साथ ये से अनुपात हो जाएगा शिफ्ट से इससे क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा फिर शिफ्ट से यहाँ फोर फोर से क्या हो जाएगा जो फुल स्टॉप नहीं स्टार की इनटू की मात्रा फिर शिफ्ट के साथ फाइव शिफ्ट के साथ फाइव फाइव से शिफ्ट के साथ फाइव से माइनस शिफ्ट के साथ फाइव से माइनस शिफ्ट के साथ शिफ्ट जो सिक्स इसे इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ठीक है। तो इसमें देख लिए कि ये फिंगर इसे इधर तीन को देखना है और इसे ये फिर इसके बाद ये है यहाँ से ये सेवन तो शिफ्ट ये इधर शिफ्ट हो जाएगा इधर ये सेवन इस प्रकार से शिफ्ट के साथ ये हो गया और शिफ्ट ये शिफ्ट सेवन ठीक है। तो इससे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इससे बंद होगा सेवन से फिर शिफ्ट के साथ एट यही से ये दोनों और यहाँ ये दोनों दिखना है ये दोनों बीच में ये ठीक है। तो यहाँ शिफ्ट और सेवन से इन्वर्टेड कॉमा बंद फिर शिफ्ट के साथ एट तो एट से जो ध ध भी रहेगा द भी रहेगा ठीक है ध और इसके बाद शिफ्ट के साथ एट से ध फिर शिफ्ट के साथ यहाँ से नौ शिफ्ट के साथ नौ से त्र क्या हो जाएगा त्र शिफ्ट के साथ नौ से त्र फिर शिफ्ट के साथ ये क्लोज ब्रैकेट शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट शिफ्ट के तो जो ऋषि में के री शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट से ऋषि में के री फिर शिफ्ट के साथ ये जो माइनस का सिंबल है इससे आ जाएगा जो बुंदा नीचे बुंदा जैसे बड़ी बड़ी लिख दीजिएगा तो ब ड को र बनाइएगा तो नीचे बुनका देने के लिए इसका उपयोग कीजिएगा फिर शिफ्ट के साथ प्लस से क्या आ जाएगा कॉमा शिफ्ट के साथ प्लस से क्या हो जाएगा कॉमा आधा बनाने के लिए जैसे पी से आ जाएगा च इसको आधा बनाने के लिए कॉमा कॉमा भी आता है और इस प्रकार से कॉमा आ जाएगा ठीक है। तो जब आप कॉमा देना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ इसका उपयोग कीजिएगा। तो हम लोग पूरा इसमें देख लिए विदाउट शिफ्ट और शिफ्ट के साथ किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ और इससे पहले यदि आप जो इंग्लिश टाइपिंग किस प्रकार से किया जाता है उसका फिंगर किस प्रकार से रखा जाता है वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो उस वो वीडियो का आज जो लिंक आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसको सबसे पहले देखिए वहाँ से है जो इंग्लिश टाइपिंग के बारे में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश टाइपिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं वहीं पे। इस वीडियो के लिए इतना ही।